दोस्तों पूरे दिन में पलकों को झपकाने से क्या होता है, शरीर का ऐसा भाग जो कटने के बाद भी ग्रो हो जाता है। तेज भूख लगने पर पेट से आने वाली गुड़गुड़ को आवाज को क्या कहते हैं, और भी सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर वन, हम पूरे दिन लगातार बिना किसी अवेयरनेस के पलकों को झपकाते रहते हैं। क्या आपको पता है हमारी पलकों का हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। पलकों को झपकाने से आंखों को आराम मिलता है, इससे अल्टीमेटली ब्रेन बहुत काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है पूरे दिन में हम अपनी पलकों को इन्फिनिट, एक नॉर्मल इंसान एक मिनट में 15 से 17 बार अपनी पलकों को झपकाता है, और इन्फिनिट झपकाने से ऑन एवरेज लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बंद रहता है। नंबर टू, इंसान को कोई फिजिकल चोट लगती है तो वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, लेकिन कोई भी शरीर का एक बार कटने से खराब होने से वापस से नहीं बढ़ता। लेकिन ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो कटने के बाद वापस से ग्रो हो जाता है। लीवर एक ऐसा हिस्सा है जो कटने के बाद भी ग्रो हो जाता है। रिसर्चर से पता चला है कि लीवर का 25% हिस्सा कटने के बाद भी लगभग एक महीने के अंदर वापस से पहले जैसा ग्रो हो जाता है। नंबर थ्री दोस्तों, हाथ ह्यूमन बॉडी का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जो भी काम करना होता है उससे हम हाथ से और उंगलियों से इस्तेमाल किया जाता है, और हमारी उंगलियों में कोई मसल नहीं होती है। ये बिल्कुल सच है, असल में हमारी उंगलियां टेंडन और बोन की वजह से जुड़ी हुई होती हैं, और इसी वजह से हम अपनी उंगलियों से सारे काम कर पाते हैं। नंबर फोर, जब तेज भूख लगती है तब हमारे पेट से अजीब अजीब गुड़गुड़ की आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे लोग कहते हैं भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आवाज़ें आखिर क्यों आती हैं और इसे क्या कहा जाता है? चलिए जानते हैं। इस तरह की आवाज़ों को बोरगोमस कहा जाता है। इसके अलावा ये आवाज़ें हमारी आंतों में मौजूद गैसेस और फ्लूइड की वजह से आती है। नंबर फाइव दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है वहाँ के लोगों का कलर गोरा होता है, और जहाँ गर्मी और धूप ज़्यादा होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जिस एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ के लोगों की स्किन में मेलानिन नामक एसिड पाया जाता है, जो उन्हें धूप की वजह से बचाने में मदद करता है।